हनुमान चालीसा को लेकर जिस प्रकार से राजनीति गर्म हो रही है उसी को लेकर पूर्व मंत्री सुबोध मोहिते ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए हनुमान चालीसा को लेकर और महंगाई के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की है। आइए जानते हैं उनकी राय। मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा को लेकर सुबोध मोहिते ने कहा कि हनुमान चालीसा मजाक का विषय नहीं है। हनुमान चालीसा मस्जिद के सामने में पढ़ना क्या ये बराबर है? कोई भी मंत्र या स्त्रोत बीच सड़क पर नहीं पढ़ा जा सकता। हनुमान जी का अपना एक महत्व है। मात्र अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए और हिंदू मुस्लिम में दंगे फैलाने के इरादे से मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ना कहां तक उचित है? ऐसी जानकारी सुबोध मोहिते इन्होंने BCN संवाददाता को दी। हनुमान चालीसा हा कहीं मजाक का विषय नहीं है। हनुमानाची उपासना मस्जिदच्या समोर जाऊन रस्त्यावर होऊ शकते का? कोणताही मंत्र किंवा आपण जे आरती जपतो, आपण आता जी आरती म्हटली ती आरती रस्त्यावर होऊ शकते का? त्याचं एक महत्त्व आहे ना, हनुमानाचं एक महत्त्व आहे। हनुमानाला तुम्ही मस्जिदच्या रस्त्यावर उभं घेऊन जाल, आरतीला तुम्ही चौरस्त्यावर उभं घेऊन जाल, म्हणजे देवाची मजाक आहे। म्हणजे तुमच्या राजकारणासाठी किंवा हिंदू मुस्लिम दंगली फैलवण्यासाठी हनुमानाचा सहारा घेणं, म्हणजे तुम्ही किती निर्भरता आणि कमजोर आहे याचं हे लक्षण आहे असं मी समजतो। तो वहीं दूसरी ओर महंगाई पर तंज कसते हुए सुबोध मोहिते इन्होंने बताया कि 60 करोड़ लोग BPL के फहरिस्त में हैं। इस वर्ष के इकोनॉमिक सर्वे में 80 करोड़ हुए हैं। इसका मतलब साफ है कि 20 करोड़ लोग अभी भी गरीबी की रेखा में आ गए हैं। यह एक बड़ा भारत देश का दुर्भाग्य कहना पड़ेगा। अब तक जितने भी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं इन्होंने गरीबी रेखा में काम नहीं किया, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने 20 करोड़ लोगों को और गरीबी रेखा के नीचे ढकेल दिया है। इसलिए महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल, गैस, डीजल जैसी कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। इस पर सरकार का ध्यान नहीं है, महज एक मजाक बना दिया गया है। बाइट सुबोध मोहिते। बघा, महागाई आता मी तुम्हाला सांगतो की 60% लोक, तुम्ही एक इकॉनॉमिक सर्वे पहा की 60 कोटी लोक BPL यादीमध्ये इंडियामध्ये होते, या वर्षीच्या इकॉनॉमिक सर्वेमध्ये 80 कोटी झाले। म्हणजे BPL यादीवरून कमी व्हायला पाहिजे की जास्त वाढायला पाहिजे? 20 कोटी लोक दारिद्र्यरेषेकडे जास्त गेले। याच्यापेक्षा दुर्भाग्य या भारत देशाचं काही नाही आहे। आजपर्यंत जेवढे प्राईम मिनिस्टर झाले त्यांनी दरिद्र रेषेतून लोकांना बाहेर काढलं। आज हे सरकार आहे यांनी 20 कोटी लोकांना अजून दरिद्री बनवलं। त्याच्यामुळे महागाई, बेरोजगारी, ह्या सगळे गॅस सिलेंडर, पेट्रोल, हे सगळे विषय लोकांच्या जे या जीवनाशी संबंधित आहेत त्यांनी लोकांच्या जीवनालासुद्धा मजाक बनवलेला आहे असं मी या ठिकाणी बोलतो। NBC न्यूज के लिए राजकुमार मोहोड़ के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज, नागपूर।